हे गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज जो है मैंने कहा था कि स्विगी में मुझे जो है काम करना है, तो मैंने देखो स्विगी की टी शर्ट वगैरह सब कुछ पहन लिया है। और जो स्विगी का बैग है वो भाई मेरे बैग के अंदर रखा है, तो वो हम साइकिल में जो है लगा लेंगे आगे, मतलब गली में तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए गली के बाहर निकलेंगे तो हम स्विगी के बैग को निकाल के साइकिल पे जो है सेट कर लेंगे। और भाई साहब टाइम जो है हो गया है 7 बजने में क्या एक्चुअली में 7 तो बज गया है, 7:05 हो चुके हैं, यानी लेट में हो चुका हूँ। और भाई उठ बताऊ तो मैं 7:15 बचे थे तब मैं उठा, तो भाई पता नहीं क्यों लेट, मम्मी ने उठाया, मैं उठा भी नहीं था, मम्मी ने उठाया, तो क्योंकि मम्मी को मैंने बता दिया था कि मुझे जो है 7 बजे जाना है। तो सबसे पहले बता दूं कि भाई 1:30-2:00 तक तो मैं जो है एडिटिंग करता रहा, जो कल के ब्लॉग की एडिटिंग है वो मैं करता रहा, इसके बाद 3 बजे सोया था और इसके बाद जो उठ गया 7 बजे से पहले ही। तो अभी हम निकलने वाले अपने जो है एरिया में जहां से मैं ऑनलाइन रह हो सकता हूँ। पता जोन चेंजिंग की जो मैंने रिक्वेस्ट डाली थी वो अभी तक पता नहीं एक्सेप्ट नहीं हुई है, जोन चेंज नहीं हुआ है मेरी आईडी का। तो अभी एक ये देखो, हाँ बताइए, तो जोन चेंज नहीं हुआ है और अब बस हम निकल रहे हैं, खाना पीना देखा जाएगा, खाना पीना रात को जो है 3 बजे तक, रात को 3 बजे तक जो है मुझे करनी है स्विगी में, आज काम जो है रात को 3 बजे तक होगा। और जो है जितनी भी चीजें होंगी वो सारी चीज दिखाएंगे, भूख लगती है, क्या होता है, क्या नहीं होता, सारी चीजें, क्या अर्निंग होती है पूरे दिन। तो अभी निकलने का टाइम हो गया क्योंकि लेट ऑलरेडी हो चुके, तो मुझे जो है 3.5 घंटे जो है लगभग ऑनलाइन रहना है इंसेंटिव के लिए, और लगभग 2 जो है ऑर्डर भी करने हैं, 3 ऑर्डर जितने भी कर पाएंगे इस वाली शिफ्ट में, सुबह वाली में। तो बस निकल रहा है, तो बाकी सारी चीजें देखते हैं क्या होता है, अब बस निकलते हैं। यार हाँ अरे खाना है, चावल नहीं खाएंगे यार, टाइम हो गया, वो कहाँ गया, चप्पल तो है नहीं, कौन कहीं गए, ओके जूता कहाँ है, दूसरा दिशा कौन सा जूता है वो नहीं, यही पहन लेते हैं, सही एडजस्ट कर लेंगे इसको, पैर मोड़ लेते हैं ना, नहीं मुझे उसे नहीं, क्या नीचे चावल नहीं है, नीचे सब्जी चावल जो तुम जाते, अरे रहने दीजिए, टाइम हो गया आप क्या खाएं, अरे दीजिए टाइम हो गया, आप निकलेंगे ज्यादा लेट हो जाएंगे तो फिर क्या फायदा, कहे तो सबको 7 बजे जाएंगे 12 बजे, कब आ जा निकलते हैं, जल्दी कैसे सो जाए, जल्दी सोने का वो होगा तो जल्दी सो जाएंगे। पापा जो है चप्पल पहन के चलेगा मेरी, मुझे आज फिर जो है जूता पहन के जाना पड़ेगा, देखते हैं पूरे दिन करते हैं क्या होता है जूता पहन के हालत। तो वो दिखा रहा मेरे में जो है स्टार्ट ड्यूटी के लिए, क्योंकि मेरी जो है देखो मुझे लगभग जो है 7 से 11 के बीच में 3.5 घंटे ऑनलाइन रहना है, तो अभी 7:14 हो गया है, मुझे 15 मिनट के अंदर पहुंचना पड़ेगा, ऑनलाइन होना पड़ेगा, ठीक है, तो तभी मुझे जो है 50 रुपये इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। और ये देखते हैं कि मेरी जो है जोन चेंज हुई कि नहीं हुई, तो जोन चेंज देखने के लिए मुझे हेल्प में क्लिक करना पड़ेगा, एक सेकेंड, एक्चुअली में नहीं, जोन अभी तक चेंज नहीं हुई है, जोन मेरी अभी भी आदर्श नगर ही है, देखते हैं, चलो चलो चलते हैं सीधा काम पे, बाकी सारी चीजें बाद में देखते हैं, क्योंकि जो टाइम हो गया 15 मिनट के अंदर अपनी लोकेशन पे पहुंचना है। 159 जो है मेरी जो अर्निंग दिखा रहा है, ठीक है, अभी तक जो अर्निंग हुई है, तो निकलते हैं फिर देखते हैं क्या होता है।
यार मैंने जो है सब कुछ तो ले लिया, मतलब पावर बैंक ले लिया लेकिन केबल, डाटा केबल लेना भूल गए। अब डाटा केबल ले लिए तो चार्ज कैसे करेंगे, अगर मेरा जो है फोन की बैटरी अगर जो कम हो गई तो चार्ज कैसे करेंगे, क्योंकि पावर बैंक ले लिया केबल ली नहीं है, क्या बताएं, जल्दीबाजी में सब भूल जाते हैं। तो चलो अब निकलते हैं, देखते हैं, एडजस्ट करते हैं, ज़्यादा मोबाइल नहीं चलाएंगे, बस वीडियो वगैरह बनाने के लिए जो है यूज करेंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं। अगर मुझे अपने फोन में दिक्कत आती है मतलब जाने में तो क्यों पता है, इस पुल की वजह से। ये पुल जो है चढ़ना और उतरने में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चढ़ने में बहुत दिक्कत होती है साइकिल से, तो बस मेरे जोन में आना आने का जो रीजन है पक्का वाला वो यही है, यही पुल। पहुंचाओ मतलब अपनी लोकेशन पे, अपने जोन पे अभी भी पहुंचाओ, और अभी जो है बैग सेट कर लेते हैं, बैग को सेट कर ले, इसके बाद जो है ड्यूटी तो ऑनलाइन हो गई है ड्यूटी। एक्चुअली में मैंने घर से ऑनलाइन करी थी तो एक बग की वजह से जो है मतलब एक बग होगा जो है स्विगी में, जिसकी वजह से ऑनलाइन दिखाता बट ऑनलाइन होता नहीं, तो जो अपने जोन पे आए तभी एक्चुअली में ऑनलाइन दिखा रहा है। और दो मिनट अभी हुए मुझे यहाँ आए हुए, तो कहा जा सकता है कि 3 घंटे 30 मिनट वाला जो इंसेंटिव वो तो हमें नहीं मिलेगा, बस से कम वाला जो है मुझे मिल सकता है। तो बस अभी आ गए अपने जोन में, तो अभी जो है बैग सेट कर लेते हैं, मतलब जो स्विगी का बैग है वो मेरे बैग के अंदर है, तो उसे साइकिल में सेट कर लेते हैं ताकि वो कंधे में टांगने वाला, पीठ में टांगने वाला बवाल बहुत खराब हो जाए। बैग हमने सेट कर दिया, बैग हम आपको दिखाते हैं किस तरह से सेट किया है। बैग जो है इस तरह से सेट हो गया पूरा जो है साइकिल में, और इसमें मैंने एक बद्दी यहाँ पे बांध दिया है, ठीक है, साइकिल के, और ये वाला जो है इसको पीछे कर दिया बैक साइड से, और इस तरह से बांध दिया, एक उस साइड में बांध दिया है, बस आप जो है ऑर्डर का इंतजार करते हैं, ऑर्डर आता है कि नहीं देखते हैं, इंतजार करते हैं, अगर ऑर्डर आता तो जाएंगे। और ये जो है ये हम अपने साथ रखते हैं भाई धूप के लिए, और एक्चुअली वैसे तो हम धूप में रहते नहीं भाई, काम करना तो धूप में कैसे रहेंगे ना, तो धूप में हम नहीं रहते, बहुत कम धूप में रहते। तो बस अभी है जो ऑर्डर का इंतजार करते हैं, ऑर्डर आएगा तो जाएंगे, धूप में ऐसे नहीं, बस जो है ऑर्डर देने जो है जाना पड़ता है, जब ऑर्डर देने जाते हैं तभी जो है धूप में जाते हैं, वरना ऐसे बस सब कुछ सेट कर लिया, तो अब कोई दिक्कत नहीं, जो है कंधे में जो है टांगने वाला जो झाम है वो हट गया, बस ऑर्डर का इंतजार करते हैं, ऑर्डर आता है, जितने भी ऑर्डर आते हैं वो सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं क्या कुछ होता है। जो साइकिल थी वो वहाँ खड़ी थी, बट जो है झाड़ू लगाने लगे तो मैंने साइकिल यहाँ खड़ी कर दी, बिना बताए अचानक झाड़ू लगाने लगे भाई, तो डर गया यार, एकदम सारा कूड़ा आने लगा, मैंने साइकिल तुरंत इधर करी। अब ये लोग रुकेंगे थोड़ी ना, क्योंकि इनको तो बस फटाक से काम करना निकलना है, होता है सबको होता है, अपने काम की जल्दी सबको होती है, काम खत्म करो फिनिश करो और निकलो। तो बस ओनली जो है हमें भी अपने काम की जल्दी है, लेकिन ऑर्डर आ ही नहीं रहा है, क्या करें। जोमेटो की जो है वो खुलने वाली है गिग, तो देखते हैं, स्टार गिग चाहिए मुझे, अगर स्टार गिग मिल जाती तो ठीक है। देखो जो है 2 मिनट बचे हुए हैं, बुक ओपन इन 2 मिनट, ठीक है, एम्ब्रोन्स पार्टनर में है, तो देखते हैं क्या होता है, स्विगी में भी ऑनलाइन है, तो अगर ऑर्डर आ गया बीच में तो दिक्कत है, बट ऑर्डर नहीं आया। देखो शनिवार है जो है लगभग जो है स्टार गिग मिलनी चाहिए, स्टार गिग अगर मिल गई तो ले लेंगे, और स्टार गिग नहीं मिली तो फिर नहीं लेंगे, ठीक है, तो गिग ही नहीं लेंगे, स्टार गिग मिलेगी तो ही लेंगे, ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपना टाइम वेस्ट है इसका मतलब, और क्या, कोई बेनिफिट ही नहीं है भाई, इतनी दूर आने से अच्छा है कि जो है देखते हैं, 8:44 हो रहा है,
तो एक मिनट बचा हुआ, जस्ट एक मिनट, जब बुक ओपन होने, तो ओपन होता है इसके बाद देखते हैं कितनी जो है गिग आती है। लो, एक भी स्टार गिग है ही नहीं, पहले से ही सब बुक है। ओपन गिग जो है 12 से 1 रात की, 1 से 2 रात की, सुबह 8 से 10, जो कि बिल्कुल बेकार होती है। और स्टार गिग मिली ही नहीं, एक स्टार, दो स्टार गिग है और दो नोटबुक है, जो कि एक 8 से 9 है, 8 से 10 है और एक जो है 1 से 4, दोनों बुक है पहले से ही। तो स्टार गिग मिलेगी नहीं तो हम लोग का जो है मेडल बढ़ेगा नहीं, कोई फायदा नहीं जो मैटा मैटा हो। खैर इंतजार कर रहे हैं, अभी तक स्विगी में एक भी जो है ऑर्डर नहीं आया है और टाइम हो गया है 8:45। मेरी चाबी जो है साइकिल की नहीं मिल रही थी तो मैं बहुत जगह ढूंढा, बट जो है साइकिल की चाबी जो है साइकिल में ही लगी है। अब याद नहीं रहा, पता नहीं यार कैसे, पर साइकिल की चाबी यार एकदम से मतलब जेब में मिली नहीं, तो यार चौंक गया मैं, बहुत जगह ढूंढने लगा था यार, लेकिन तब मैंने सारी जेबें छान डाली थी। एक शिफ्ट कम्प्लीट हो गई है, मतलब जो मेरी 7 से 11 वाली शिफ्ट थी वो कम्प्लीट हो गई है, और उसमें भाई एक भी ऑर्डर नहीं करा। ये देखो एक भी ऑर्डर नहीं है भाई, सर्चिंग ऑर्डर एंड टाइम देख लीजिए नीचे, ये देखो 3 घंटे 42 मिनट से जो है वो ऑनलाइन है। ये कल की अर्निंग है 159 रुपये, आज की कोई भी मतलब नहीं आई, 11:32 हो गया, तो मतलब एक भी ऑर्डर नहीं आया जोमेटो सॉरी स्विगी में, और रोड पे ही खड़ा हूँ काफ़ी देर इंतज़ार कर रहा हूँ भाई ऑर्डर का, समझ लो 4 घंटे। और बता दूँ कि भूख बहुत ज़्यादा तेज लगी है, भूख लगी है, प्यास भी लगी है। एक शिफ्ट तो कम्प्लीट हो गई, अब देखते आगे क्या होता है। हो गया अभी 4:38, मतलब कि मेरी जो है 2 शिफ्टें कम्प्लीट हो गई है, तो अभी देखो दिखाते हैं जो है। ये देखो 4 ऑर्डर आए हैं, 8:50 में ऑनलाइन रह चुका हूँ ऑन ड्यूटी, तो अभी वो 4:39 हो रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं आज पूरा मतलब जाएंगे नहीं, घर नहीं जाएंगे आज, और भूख लगी, खाना नहीं खाया हूँ, कुछ भी नहीं खाया मैंने एक्चुअली, पैसे भी मैं जो है भूल गया घर में ही, तो कुछ खा भी नहीं पाया वो ऑर्डर। आज पैसे बता दूँ कितने रुपये का अभी तक जो है मुझे जो अर्निंग हुए ऑर्डर आया, ये देखो 98 रुपये का जो है अभी मेरे को अभी तक मेरे को जो है ऑर्डर मिला है करने को, ठीक है। इसमें इंसेंटिव जुड़ जाएगा मैं बता दे रहा हूँ, इसमें 98 रुपये का ये 4 ऑर्डर हो गए, तो जो है ये कल का 169 रुपये, कल नहीं परसों का, तो ये जो है 98 रुपये जो है ये 20-20 रुपये जो ऑर्डर आते हैं समझ लीजिए, जोमेटो में होता तो अभी भाई क्या ही बता, छोड़ो एक। और ये देखो 98 रुपये का, इसमें 75 रुपये और जोड़ दीजिए, मतलब कि 150 रुपये समझ लीजिए, ठीक है 150 रुपये के समथिंग जो है अर्निंग होगी, हो चुकी है अभी, क्योंकि 75 रुपये जो है इंसेंटिव मिल जाएगा इसमें, तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। रुके हैं यहीं पे, कहीं नहीं जाएंगे, रात को 3 बजे तक यहीं पे काम करेंगे, चाहे कोई मना करे, भूख लगी बहुत ज़्यादा तेज, तो कोई जूता मेरा वो रखा है हमें नंगे पाए, क्योंकि यह गर्मी लग रही थी और साइकिल वो रखी है, तो भाई बस इंतज़ार करते हैं ऑर्डर का, आता है तो फिर लेते हैं ऑर्डर। तो ऑर्डर तो नहीं आ रहा है, बट एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने अभी अभी देखा, मतलब ऐसा भी होता है भाई, ये हमें पता नहीं था होता होगा यार, मतलब पॉलिसी होगी ऐसा कुछ तो ऐसा होता होगा, तो मतलब ये जो है ये जो बोर्ड लगा है यहाँ पे इतना बड़ा सा, इसको जो है रजिस्टर कराया गया, मतलब इससे जो है रजिस्टर कराया गया, वो जो दिख रहा ना QR कोड, ये तो ये जो रजिस्टर्ड है भाई, इसने आपका रजिस्ट्रेशन जो जितना भी रजिस्ट्रेशन सब कुछ है, ये चीज़ ये इसने यहाँ लगाया हुआ है, मतलब ताकि जो दूसरा यहाँ पे बोर्ड ना लगा सके, ये पिलर्स बने हैं लोहे के, इसमें लगाया गया। ये हम थोड़ा पास से आपको दिखा दे रहे हैं कि देखो यहाँ पे इस तरह का भाई ये सब होता है सारे, मतलब किसके नाम पे है, क्या है क्या नहीं है, सब कुछ कानपुर नगर निगम पे से बनवा के भाई साहब, मतलब पूरा रजिस्टर्ड यहाँ से कोई हटा के दूसरा नहीं लगा सकता इसके ऊपर। अब भाई हम तो खड़े हैं, ऑर्डर नहीं आ रहा, मतलब दूसरी शिफ्ट चालू हो गई शाम की, मतलब दोपहर की कह सकते हो, दोपहर की, तो भाई साहब अभी चालू नहीं है, ऐसे ही साइकिल खड़ी है और ऐसे ही खड़े, भूख लगी बहुत तेज भाई, यहीं से पानी पी रहा हूँ पेट्रोल पंप से।
भाई मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मतलब भूख भी लगी है बहुत ज्यादा तेज। बाहर कुछ भी खा लो ठीक है, लेकिन जो है घर के खाए बिना पेट नहीं भरता है भाई। ये शिफ्ट में मैं जो है 3 घंटा 13 मिनट काम किया, जबकि 3 घंटा 30 मिनट काम करना था, 15 मिनट या 17 मिनट लेट हो गया। तो जो है जो शिफ्ट कम्प्लीट हो गई, इसके बाद ये कम्प्लीट कर दी, ये कम्प्लीट कर दी, ये भी कम्प्लीट हो जाए। और जो है जेके मंदिर के पास में हूँ, सही बताया तो जेके मंदिर अगर कोई मुझे ऐसे आने के लिए कह देना तो ना आऊँ। लेकिन आज जो है, आज मैंने यहाँ पे लगभग जो है काफी राउंड 50 से ऊपर राउंड मार दिए है। जो है घर निकल रहा हूँ और जिस बैग को मतलब अपना जो बैग था उसमें डाल देते हैं और इसके बाद निकलते हैं अब घर। अब कोई भी शिफ्ट नहीं करेंगे, घर जा रहे हैं। ऐसा है जो कि मतलब सीओडी मिला, मतलब कैश ऑन डिलीवरी में स्विगी के, तो इसे अपने पास रखते हैं। सारी चीज़ें हो गई है, स्विगी वाला जो बैग है वो मैंने अपने बैग में रख लिया है। और जो है टाइम भी होने वाला है, देखो ये जो है स्विगी का हमने सब कुछ जो है ड्यूटी भी ऑफ करनी है मुझे, बट जो है मैं ड्यूटी ऑफ क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि 5 मिनट बचे हुए हैं। अब 5 मिनट हो जाए कम्प्लीट तो भी जो है ड्यूटी ऑफ कर देंगे, ताकि जो है शिफ्ट भी कम्प्लीट हो जाएगी। अब यार ये जो रिंग बज रही थी, ये थी ऑर्डर जो है कमिंग, जो ऑर्डर जब आता है साइन होता है तो ये रिंग बजती है ठीक है। तो यहाँ से मुझे ला पिनालो पिज्जा से मुझे ऑर्डर जो है पिकअप कर रहा है। तो यार मैप देख लेते हैं कि मुझे यहाँ जाना कहाँ पे, कहाँ पे ये जो है रेस्टोरेंट है ठीक है। अब जो मुझे रेस्टोरेंट या रेस्टोरेंट में जाना है, उस रेस्टोरेंट को मैं जो है मैप में देख कर जाता हूँ, मतलब मैप से देख कर जो है मैं रेस्टोरेंट जा रहा हूँ। अब मैं जो है रेस्टोरेंट पहुँच चुका हूँ और रेस्टोरेंट में जाऊँगा, वहाँ पर ऑर्डर पिकअप करूँगा, वो सारी चीज़ें दिखाऊँगा। अब जो है मैं रेस्टोरेंट पहुंच चुका हूं, यहां से जो है अभी जो है आइटम जो है जितने भी है सब पिकअप करूंगा। तो यहां से कंफर्म आइटम कर देता हूं। तो कस्टमर का जो आइटम है वो है मार्गेनिक पिज्ज़ा, मतलब एक पिज्ज़ा है ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ रेगुलर ये सब चीज़ें, ये सब कुछ जो है ये पैक करके हमें देंगे। तो इनका जब जो है तैयार हो जाएगा, अब तैयार हो चुका है, लिखा है फूड इज़ रेडी टू पिकअप। जैसे ही लिख के आ जाएगा फूड इज़ रेडी टू पिकअप, तो हमें यहाँ वहाँ जो आइटम है वो तुरंत हमें वो दे देगा, हैंड ओवर कर देगा। मतलब उनका जो आइटम वो तैयार हो गया है, अब वो जो है वो उनको मुझे देना है। तो कहीं से भी ढूंढ के देंगे मुझे जो है ढूंढेंगे, अगर मैं नहीं जाता तो मुझे बाहर आकर ढूंढेंगे, आइटम देंगे, क्योंकि आइटम जो है तैयार हो चुका है। तो अब मैंने जो आइटम ले लिया कन्फर्म कर लिया, अब आइटम की जो भी पिज्ज़ा हो या कुछ भी हो, तो ये ऐसा थम्सअप देगा, जो है फ़ोटो देनी होती है, चाहे बिल हो तो बिल की फ़ोटो, नहीं है बिल तो ऐसे ही आइटम की फ़ोटो। प्रोसीड करते हैं। और ये देखो मैं जो है पिज़्ज़ा की, ये देखो मैं रेस्टोरेंट में ला पिनालो पिज़्ज़ा ठीक है, और ये देखो ये है पिज़्ज़ा, इसकी फ़ोटो खींचनी है, फ़ोटो खींच देता हूँ बस, और इसे अपलोड कर देता हूँ। फ़ोटो खींच दिया है और इसे जो है प्रोसीड करता हूँ आगे, एंड इसके बाद जो है ये अपलोड हो जाएगा। अब मुझे जो है कस्टमर के घर जाना है, तो कस्टमर का एड्रेस जो है वो भी मैप से ही मुझे मिलेगा। कस्टमर का एड्रेस लिखा हुआ है 117/521 पांडुनगर ठीक है, कानपुर उत्तर प्रदेश ठीक है। तो अब जो है मुझे कस्टमर के घर जाना है, तो वहाँ जाते हैं देखते हैं। अब ये जो वो भी मैं मैप से ही जाऊँगा, मतलब मैप के थ्रू ही मैं कस्टमर के घर पहुँचूँगा। तो चलते हैं मैप के थ्रू कस्टमर के घर। ये जो है लास्ट ऑर्डर है, मतलब अभी जो टाइम हो रहा है 10:30 बज गया मतलब, तो अब हम घर निकलेंगे। मेरी जो है शिफ्ट भी कंप्लीट हो गई है। और ये जो लाल लाल दिख रहा है, ये जो है लोकेशन, ये कस्टमर की लोकेशन है। तो हम जा रहे हैं उसके घर में ऑर्डर देने। तो भाई ऑर्डर देंगे, इसके बाद जो है हम अपने घर निकलेंगे, उसके बाद किसी भी ऑर्डर की कोई उम्मीद नहीं, घर जाएंगे। हाँ शिफ्ट लिया था मैंने 12 से 3 भी लिया था, मतलब 11 से 3, वो नहीं कर पाऊँगा भाई, सुबह से खाना नहीं खाया, भूख लगी बहुत तेज़, और साइकिल चला रहा हूँ कंटिन्यू, ऐसा नहीं कि साइकिल नहीं चला, अभी भी साइकिल चला रहा हूँ। तो 450 मीटर बचा हुआ है, साइकिल है, गाड़ी होती तो अभी तक पहुँच गया होता, 400 मीटर बचा। हम वहाँ जाके कस्टमर को कॉल करेंगे, कस्टमर बाहर आएगा उसको ऑर्डर देंगे, काम ख़त्म। Again, it's a rich thing.
सो अभी मैं कस्टमर की लोकेशन पर पहुंच गया, इसलिए रीच डिलीवरी लोकेशन पर क्लिक कर दूंगा। अब इसके बाद जो है कस्टमर मुझे 130 रुपये देगा, जो कि मुझे कलेक्ट करना है मुझे कस्टमर से और उसे ऑर्डर देना है। हर कस्टमर को करते हैं कॉल, उसे बाहर बुलाते हैं घर के, वो उससे जो है ऑर्डर देते हैं, इसके बाद निकलते हैं। काफ़ी ज़्यादा चेंज नहीं है आपके पास? मैंने वो चेंज ही दी 130 रुपये ना। हाँ जी जी, थैंक यू थैंक यू। अब जो है ऑर्डर इससे डिलीवर होता है, सारी चीज़ें होती हैं, मैंने सब कुछ। अब कस्टमर को फीडबैक देखना है तो यस, कस्टमर को फीडबैक देना है, ठीक है। कस्टमर पोलाइटली बात किया आपसे तो यस, अगर एड्रेस सही है तो यस, शेयर फीडबैक करके। अब जो है अब मुझे कोई भी ऑर्डर नहीं लेना है, तो भाई जो है हम ड्यूटी को कर दे रहे हैं यहाँ से ऑफ, क्योंकि जो है 11 बज चुका है। हाँ बस स्टे ऑन भाट, फिर ऑर्डर आ जाएगा, घर जाते टाइम दिक्कत हो जाएगी। बस हो चुका जितना भी ऑर्डर होना था, 200 ऑर्डर रुपये की अर्निंग हुई है। चलो घर में बताते हैं सारी चीज़ें, तो चलो घर में बताते हैं सारी चीज़ें, क्या कुछ अर्निंग हुई, क्या कुछ हुआ, हर एक चीज़, ठीक है। ऑर्डर दे दिया है, ठीक है, और ये लास्ट ऑर्डर था। गली देख लो कितनी सुनसान है, और बस अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। बस जितना भी करना था कर लिया, बस अब जा रहे घर, घर पहुंचते हैं, इसके बाद बाकी सारी चीज़ें बताते हैं आपको। साइकिल से बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा भाई। यार देखो, आज मैंने यार इतनी मेहनत की है, इसके लिए भाई मुझे एक एक लाइक सबसे चाहिए। प्लीज़ यार वीडियो देखना तो भाई पहले लाइक जरूर। यार देखो, मेरे जोन की सबसे बड़ी समस्या यही है, ये पुल जो मुझे चढ़ना पड़ता है, उतरना पड़ता है, समझे। हाँ दूर भी है यार, काफ़ी दूर है। पुल उतरने में बहुत मजा आती है, जितना चढ़ने में तकलीफ होती है उतना उतरने में मजा आती है। टाइम हो गया है, देखो टाइम हो गया है 12 बजने वाले हैं, 10 मिनट बचे हैं, 15 मिनट कह सकते हो, ठीक है। और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, थक गए भाई, समझ लो। बताते हैं सारी चीज़ें बताते हैं, पहले जो है थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, पानी पीते ठंडा, और इसके बाद जो है कूलर की हवा खाते, थोड़ा रिलैक्स करते हैं अंदर से। जो है बहुत ज़्यादा साइकिल चलाई है, बहुत ज़्यादा इधर उधर गए, बहुत ज़्यादा काम किया है, और खाना भी नहीं खाया सुबह से। जो है बाहर की चीज़ें खाई, ऐसा नहीं है बाहर की चीज़ें, कुछ चीज़ें खाई है तो उससे तो कुछ नहीं होने लगता, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है ना, बाहर की चीज़ चाहे जितनी भी खा लो, पता नहीं ऐसा लगता पेट नहीं भरा, ठीक है। तो वैसा ही लग रहा था, तो अभी जो है पहले फ्रेश हो जाते हैं, पानी नहीं पीते और खाना ना खाते, उसके बाद बात करेंगे क्या कुछ अर्निंग हुई, क्या कुछ हुआ आज मेरे साथ, ठीक है। साइकिल गाड़ी सब कुछ रख दी गई है, अब पहले पानी पी लेते हैं। बहुत तेज प्यास लगी भाई, पानी तो बहुत जगह रास्ते में था पानी, बट मैंने पिया नहीं, मैंने कहा अब घर जाके ही पी लूँगा। तो अभी चलते हैं ऊपर, बढ़िया पानी पीते हैं, हवा खाते हैं। भाई पसीना तो मेरे आता ही जा रहा, इतना पसीना आ रहा है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। सारी लाइटें का चला रंग बिरंगी, तो यार मैं अब दिखाता हूँ अर्निंग जो कल हुई थी, ठीक है। तो अर्निंग सेक्शन में चले जाते, क्या इंसेंटिव मिला, क्या कुछ मिला। टुडे अर्निंग 0 हो गई, 1182 रुपये फ्लोट हो गया, 557 रुपये जो है टुडे अर्निंग। आज मैंने कोई काम नहीं किया तो अर्निंग 0 है, बाकी दिन की अर्निंग दिखाते हैं, मतलब कल की अर्निंग, कल क्या काम किया। तो भाई साहब 398 रुपये की अर्निंग है जो है इंसेंटिव मुझे मिला है, 75 ये होगा 150, ठीक है, और 40 140 कितना हो गया, 190 रुपये इंसेंटिव मिला है। और जितना मैंने कमाया टोटल मेरा, मुझे को मिला है 398 रुपये। एक्चुअली में इतने घंटे काम क्यों नहीं किया होगा, 16 घंटे, एक्चुअली में 16 या 17 घंटे मैंने काम किया और मुझे 398 रुपये मिले। तो भाई समझ सकते हो कितनी ज़्यादा मेहनत है, कितनी ज़्यादा कम कहाँ पैसा इसमें, यही अर्निंग हुई, यही सारी अर्निंग हुई। मैं घंटे दिखा दे रहा हूँ कल कितने घंटे मैंने काम किया था, जो ये देखो
कल मैंने देखो 3, 5, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो ये वाली शिफ्टिंग कंप्लीट हो गई थी जो है 12 या 13, 15 मिनट जो है लेट होने की वजह से, वरना बाकी सीट कंप्लीट है। इसे हम इनकम्प्लीट हम छोड़ के आए थे, मेरी हालत ख़राब हो गई थी, मैं कर नहीं पा रहा था, भूख के मारे मेरी यात्रा। तो भाई ये अर्निंग हुई है, ये सारी अर्निंग है मैंने आपको दिखा दिया। बस आज का व्लॉग जो है लेट आया, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। सो बस बाय बाय, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। भाई पहली बार चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, और मेरे जो व्लॉग मैं कोशिश करता हूँ कि 1 बजे से पहले पहले आ जाए, पर जो है लेट हो जाता है। बट आगे से याद रखूँगी 1 बजे जो है 1 बजे से पहले पहले आ जाए। हम अपने व्लॉग का एक टाइम फिक्स करने वाले हैं तो वो भी कर लेंगे, तब तक के लिए बाय यार। वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू।